अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट आइडियाज़ बाय अरूसा। आज की इस वीडियो में आपको मैं अपने साथ प्लेस्टेशन की सैर करवाऊंगी कि प्लेस्टेशन में हमने क्या क्या किया। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें और अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी एक्टिविटीज़ करवाया करें कहीं भी झूलों पे, प्लेस्टेशन में, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ स्क्रीन टाइम लेते हैं और हर वक्त वो स्क्रीन, मोबाइल्स, टीवी, कार्टून्स, इनको टाइम देते हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों की नशोनुमा के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, भागना दौड़ना और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने वक्त में बहुत सी गेम्स खेलते थे। मैं तो अपने जब बचपन में रेडी गो, पकड़न पकड़ाई और टिप टॉप और इस तरह की और भी बर्फ़ पानी बहुत सी गेम्स खेलती थी। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग अपने बचपन में कौन सी गेम्स खेलते रहे हैं और कौन सी गेम्स आपको अभी तक बहुत याद आती हैं। ये देखें, ये मोमना अपने बाबा के साथ गेम खेल रही है जिसमें बॉल्स के साथ उसको मारना था, उनको मशरूम्स को। और अब ये बाबा और बेटी दोनों जा रहे हैं गाड़ी पे झूले लेने के लिए, जिस पे मोमना जो है वो पहले थोड़ा सा घबराई है कि ये क्या चल गया है, और उसके बाद उसने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत खुश हो रही थी कि ये बहुत मुझे मज़ा आ रहा है इस झूले के ऊपर। मोमना को बहुत ज़्यादा पसंद है स्विंग्स। आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपके बच्चे जो हैं वो स्विंग्स पे जाके खुश होते हैं या वो स्विंग्स से डरते हैं। आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी बेटी तो मुझे बहुत ज़्यादा सताती है। अभी एक दिन लेके जाते हैं और नेक्स्ट डे उसकी फिर वही ज़िद होती है कि मुझे जो है वो झूलों पे जाना है। तो बस रोज़ रोज़ तो नहीं पूरा कर सकते, फिर किसी ना किसी तरह उसको बहला लेते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो अपनी ज़िद जो है वो पूरी करवा लेती है कि मुझे झूले ही लेने हैं, मम्मा मुझे राइड्स लेनी हैं, और उसके बाबा जो हैं वो उसकी कोई बात इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें लेके जाना पड़ता है। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें अपना फ़ीडबैक। ये वीडियोस जो हैं वो सिर्फ़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि हम लोग जो है वो कनेक्ट रह सकें और मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ और आप लोग अपनी खुशियाँ मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ कनेक्ट रहूँगी। इसी तरह आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें और मैं भी अपनी दुआओं में अपने सब व्यूअर्स को याद रखती हूँ। मैं बहुत जल्द एक क्यू एन ए वीडियो करूँगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप लोग मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मैं उनके आंसर्स दूंगी, ताकि अगर आप लोगों को मेरे बारे में जानने का मौका मिले और हम मज़ीद कनेक्ट हो सकें तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चंस कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। मेरी सब वीडियोस को देखा करें। मैं आप लोगों के लिए स्किन केयर पे वीडियोस बनाती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग पे वीडियोस बनाती हूँ और अपनी बेटी की इस तरह छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, मोमना के बाबा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मगन थे बॉल्स डालने में, और ये अब वो दोनों गाड़ी चला रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मोमना ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। ये प्लेस्टेशन जो है ये फैसलाबाद में है, और आप लोग भी अपने एरिया के प्लेस्टेशंस के बारे में और कोई भी फन लैंड, सिंधबाद या जॉयलैंड या जो भी आपके एरिया में है ऐसी एक्टिविटीज़ की जगह, वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा तो ताकि मुझे भी जानने का मौका मिल सके और मैं भी आपके साथ मज़ीद शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिल सके। ये देखें, ये गेम खेल रही है मोमना, जिसमें मंकीज़ को ये हमने इसके साथ हिट करना है ताकि वो बनाना ना खा सकें। बहुत ही मज़े की यहाँ पे गेम्स हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं और बच्चे यहाँ आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और हर सिटी में ऐसी जो है वो प्ले स्टेशंस और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई भी छोटा सिटी हो, बड़ा सिटी हो, हर सिटी में इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर सकें और हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें।
आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।